नमस्कार, मैं हूँ पार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ डल झील में। जी हाँ, ये डल झील है और ये है बेहतरीन शिकारे का नज़ारा। चारों तरफ आप देख सकते हैं हाउस बोट्स लगी हुई हैं और बेहतरीन नज़ारा है ये शिकारे का। ध्यान से देखिए, ये डल झील जम्मू कश्मीर का हृदय है। ये पूरा नज़ारे को ध्यान दीजिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है बेहतरीन नज़ारे के साथ डल झील। डल झील की एक सबसे बड़ी खासियत जो है वो है फ्लोटिंग कल्टीवेशन, यानी तैरती हुई खेती। अगर हम बात करें डल झील में तैरती हुई खेती, तो आप जगह जगह पर देख रहे हैं बहुत सारी तैरती हुई खेती यहाँ पर की जाती है। खासतौर पे सब्जियों का यहाँ मार्केट लगता है और सब्जियों की यहाँ खेती होती है। तो क्या प्रोसीजर है, आइए हम इसको जानते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि इस पे जो पानी के ऊपर एक घास बिछा दिया जाता है, जो घास बहुत मजबूती से पानी को धीरे धीरे जकड़ लेती है। उसके बाद से उस घास के ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं और मिट्टी डालकर हम फिर सब्जियों को उस पे उगाते हैं और सब्जियों की हम खेती करते हैं। तो ये डल झील पर सब्जियों की खेती को ही हम फ्लोटिंग कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। ये डल झील की फ्लोटिंग कल्टीवेशन है। अगर हम बात करें कि डल झील में ये फ्लोटिंग कल्टीवेशन कब से है, तो बहुत प्राचीन परंपरा है डल झील में फ्लोटिंग कल्टीवेशन की। और ये जो कल्टीवेशन है, यहाँ पर खेती का जो प्रारंभिक रूप जो खाते नहीं हो, देखिए यहाँ पर आराम से फल बिक रहे हैं चारों तरफ। यहाँ पर देखिए लोग लुफ्त ले रहे हैं ब्रेकफास्ट का। यहाँ पर झील के अंदर ही, डल झील के अंदर ही ब्रेकफास्ट का लुफ्त ले रहे हैं लोग। और क्या बेहतरीन नज़ारा है, एक जानदार दृश्य। पूरा भारत यहाँ एकत्रित हुआ है। अलग अलग लोग नाव पर बैठे हुए हैं। मीना बाजार से अभी हम लोग जब होके गुजरे, तो हमने आपको वीडियो दिखाया ही था, मीना बाजार लगा हुआ है। लोग अपनी अपनी यात्राएं कर रहे हैं और बीच बीच में दुकानदार उन यात्राओं में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या आपको ये खाना है, क्या आपको ये लेना है। जैसे देखिए कितना बेहतरीन इनकी दुकान है, सजी हुई है फलों से और ये एकदम बेहतरीन नज़ारे के साथ चल रहे हैं। डल झील में आप कभी भी आ सकते हैं, पूरे 12 मौसम यानी 12 महीने डल झील खुला रहता है। लेकिन ज़्यादा जो पर्यटन हैं या ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें मई जून के महीने में आते हैं। डल झील अपने हाउस बोटिंग के लिए, अपने शिकारे के लिए, अपने मीना बाजार के लिए, अपने छोटे छोटे सामानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ विदेशी पर्यटक, पूरे भारत के पर्यटक, लगभग पूरा भारत यहाँ एकत्रित होता रहता है। तो इस नज़ारे का लुफ्त लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है, 2019 के बाद ये केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हो गया। उससे पहले ये भारत का एक राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर को तोड़ करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। शुरू में जब जम्मू कश्मीर, इसकी दो राजधानियाँ थी, या कहें कि हैं अभी भी। गर्मियों के दिन में इसकी राजधानी जो थी वो श्रीनगर हुआ करती थी और सर्दियों के दिन में इसकी राजधानी जम्मू हुआ करती थी। तो आज भी हम लोग जहाँ पर स्थित हैं, अभी हम लोग जहाँ पर हैं, ये श्रीनगर वाला एरिया ही है। श्रीनगर का एरिया है, श्रीनगर का पूरा, और श्रीनगर में ही ये डल झील है। आप जब जम्मू से यानी कटरा से या जम्मू तवी से जब आप चलते हैं, तो आपको लगभग 8 घंटे लगते हैं श्रीनगर पहुंचने में। लगभग 244 किलोमीटर जम्मू से श्रीनगर है। जम्मू की जब आप यात्रा करते हैं, तो आपको श्रीनगर की यात्रा जरूर से करनी चाहिए, क्योंकि जम्मू एक बेहतरीन साइट है। अगर जम्मू में आप श्रीनगर को छोड़ देते हैं या आप बस जम्मू जम्मू करके चले जाते हैं, तो जान लीजिए ये कश्मीर की अधूरी यात्रा हो जाएगी। कश्मीर की अगर कुछ फेमस पॉइंट्स अगर हम बात करें, तो वो उसमें श्रीनगर है, फिर उसके बाद गुलमर्ग है, उसके बाद सोनमर्ग है, और उसके बाद अगर बात करें तो अमरनाथ है, पहलगाम है, और अगर इसमें और बात करें तो कारगिल है, द्रास है। तो ये बहुत बेहतरीन जगहें हैं इसकी, कश्मीर की। अगर अगर हम जम्मू की बातें करें, देखिए यहाँ पे फोटोग्राफी हो रही है, एकदम बेहतरीन कश्मीरी ड्रेस पहना करके बेहतरीन ढंग से फोटोग्राफी करते हैं यहाँ पर लोग। 200 में ये फोटोग्राफ्स आपको बना करके दे देंगे।
तो और अगर हम जम्मू की बात करें कि जम्मू में क्या चीज़ फेमस है और वहाँ पर कहाँ घूमने लायक है, तो जम्मू में आपका वैष्णो देवी मंदिर है, आपका जामवंत गुफा है, और आपका सतलज झेलम ब्रिज है, चेनाब, सॉरी चेनाब ब्रिज है जो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, और फिर उसके बाद पटनी टॉप है जो कश्मीर का एक हिल स्टेशन है, और पटनी टॉप में ही एक रोपवे है जो कि विश्व भारत की सबसे ऊंची रोपवे है, और उसके बाद भारत का सबसे लंबा टनल है जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ड्रेस पहन करके यहाँ फोटोग्राफी का आनंद लुफ्त लोग ले रहे हैं बेहतरीन नज़ारे के साथ। अब देखिए यहाँ पर एक नाव जा रही है और उस नाव को दोनों तरफ से घेरा घेरे हुए हैं लोग, अपने अपने सामानों को बेच रहे हैं यहाँ पर। ये कश्मीर का बेहतरीन एकदम नज़ारा है। ये कश्मीर इन्हीं चीज़ों के लिए या डल झील इन्हीं चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो यह क्या गजब है, बहुत बेहतरीन। वैसे शिकारे की यात्रा और भी कई राज्यों में होती है, जैसे मैं केरल में वेम्बनाड जो झील है उसमें भी शिकारे की यात्रा आपको होती है। यहाँ पर भी देखिए लोग लुफ्त ले रहे हैं कश्मीरी टोपी और कश्मीरी ड्रेस पहनकर फोटोग्राफी का। तो ये पूरा कश्मीर जो है वो अलग अलग कल्चर में ही बसा हुआ है। अब जैसे कि श्रीनगर पूरी तरह से अपना अलग कल्चर में ढला हुआ है, जम्मू का पूरी तरह से अपना अलग कल्चर है, लद्दाख का पूरी तरह से अपना अलग कल्चर है। तो अगर आप श्रीनगर से लद्दाख जाना चाहते हैं तो बाई फ्लाइट भी आप जा सकते हैं, और रूट भी है, बाई बस भी आप जा सकते हैं, आप बाई कार जा सकते हैं, शेयरिंग गाड़ियों से आप जा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों से आप जा सकते हैं अगर आप जाना चाहें तो। यहाँ से लद्दाख की यात्रा लगभग 400 से 450 किलोमीटर की है, यहाँ से लद्दाख की यात्रा, और यहाँ से मैंने बताया जम्मू की यात्रा लगभग 250 किलोमीटर की जम्मू की यात्रा है। तो ये पूरा कश्मीर सच में भारत का ताज है एक तरह से। और अगर बाकी विवादों की बात करें तो वो तो हर राज्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में है, और बाकी हिंदुस्तान के ज़्यादातर लोगों को किसी भी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने दिनचर्या से, अपने रोज़मर्रा के कार्यों से ही बस ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बाकी किसी भी चीज़ में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो चलिए ये पूरा लुफ्त आप देखते रहिए, इस पूरे आनंद को आप लेते रहिए। और अभी देखिए जून के महीने में आपकी अमरनाथ की यात्रा भी खुल जाएगी, तो जून का महीना अभी नहीं है चूंकि, तो जून के महीने में अमरनाथ की यात्रा खुल जाएगी, लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन जो होता है पहले से ही होता है। वैसे अगर आप अमरनाथ की यात्रा आपको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं, आप ये अमरनाथ की यात्रा भी कर लेंगे, कि कारण क्योंकि श्रीनगर से फ्लाइट है और वो फ्लाइट डायरेक्ट आपको वहाँ पहुँचा देती है पहलगाम से आगे तक, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी उस यात्रा में। अगर हम बात करें कि कौन सा समय उपयुक्त है जम्मू कश्मीर घूमने के लिए, तो समय उपयुक्त में अगर हम देखें तो सबसे बेहतरीन समय, तो मतलब ज़्यादा टूरिस्ट जिस समय नहीं आते हैं, ये मई अप्रैल मई का है। इस समय आप आइए घूमिए, हल्की हल्की ठंड के साथ अच्छा मौसम है इस समय। तो जून का भी मौसम भी सही है, तो मई मार्च अप्रैल मई जून आप आ सकते हैं। अगर आपको बर्फबारी, लेकिन इस समय आपको बर्फ नहीं देखने को मिलेगी, अगर आपको बर्फबारी देखनी है, बर्फ देखना है पहाड़ों पर, इन चीज़ों को देखना है, तब आपके लिए सही महीना है फरवरी। अगर आप फरवरी में आते हैं तो आपको इन चीज़ों को भी देखने को मिलेगा, यानी तब आपको बर्फबारी देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें कि एक खास बार कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर घूमने में लगभग कितना खर्च लगेगा, तो लगभग पूरा जम्मू कश्मीर घूमने में कम से कम अगर आप फैमिली के साथ हैं तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपके खर्च होंगे पूरे जम्मू कश्मीर घूमने में। हाँ, उसके बाद अगर आप लग्जरियस घूम रहे हैं तो उसका अलग चार्ज है, वो अलग आप पे कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल अगर आप फैमिली के साथ हैं, विद फैमिली हैं, आप अकेले नहीं हैं, विद परिवार के साथ हैं, तो 2.5 से 3 लाख रुपए आपका लग जाना है पूरे जम्मू कश्मीर की यात्रा में। समय की हमने बात कर ही ली कि लगभग कितना कौन सा महीना आपके लिए सही है, लेकिन अगर बात करें कितना समय लगेगा, तो आइए एक बार छोटी छोटी जगहों को तोड़ तोड़ के हम देखते हैं। आपको जम्मू घूमने में लगभग आपको जम्मू तवी में आपको 2 रातें देनी होंगी, 2 रात में आप जम्मू तवी घूम सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए कटरा, कटरा में 1 दिन आपका लग जाएगा पूरा का पूरा दिन शिवखोड़ी और साइट सीन में, और दूसरा दिन आपका पूरा का पूरा लग जाएगा चेनाब रिवर पुल पे।
जो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। और अगर तीसरा दिन हम देखें तो आप पलनी टॉप में लग जाएगा, पलनी टॉप लगभग तीसरा दिन आपको पूरा लग जाएगा। तो दो दिन आपका जम्मू में हो गया, तीन दिन आपका, तीन रात आपका यहाँ कटरा वाले एरिया में हो गया, या एक एक दिन आपका पूरा वैष्णो देवी लग जाएगा। तो चार रातें अगर अच्छे से घूमना है तो चार रातें आपके लिए है, तो चार दो छः। उसके बाद छः दिन यानी एक हफ्ते का प्रोग्राम आपका जम्मू का है, पूरा का पूरा जम्मू का प्रोग्राम आपका एक हफ्ते का बन सकता है। इसके बाद अगर आप कश्मीर घूमना चाहते हैं यानी श्रीनगर आना चाहते हैं तो श्रीनगर का अलग प्रोग्राम है, एक दिन का पूरा श्रीनगर का साइट सीन आपका लगेगा, एक दिन का पूरा गुलमर्ग का साइट सीन है आपका, एक दिन का पूरा सोनमर्ग का साइट सीन है आपका, एक दिन का पूरा द्रास है, एक दिन का पूरा कारगिल है। और अगर आप लद्दाख जाते हैं तो लद्दाख का अलग टाइम टेबल है। यानी कि अगर आपका पूरा जम्मू कश्मीर घूमना है तो कम से कम आपको पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छे से देने पर आपको 15 दिन में समाप्त होता है। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल घूमना चाहते हैं तो आपका पूरा जम्मू कश्मीर आपका 10 दिन पर्याप्त है अगर नॉर्मल घूमने के लिए, विस्तार से घूमने के लिए 15 दिन सही है। अगर अब ये बात करें कि कहाँ रुकें, कहाँ खाएं, कहाँ घूमें, तो आप अपनी क्षमता अनुसार, अपने पैसे के अनुसार उसके लिए आप रूम ले सकते हैं, आप जा सकते हैं, बार्गेनिंग करा सकते हैं, उन चीज़ों को देख सकते हैं और वहाँ पर रूम ले सकते हैं, घूम सकते हैं। अगर आप के पास पैसा थोड़ा है पर्याप्त तो आप एक फोर व्हीलर करके डायरेक्ट जम्मू से कटरा आ जाइए, फिर उसके बाद डायरेक्ट कटरा से फोर व्हीलर करके आप श्रीनगर आ जाइए, और फिर डायरेक्ट श्रीनगर से आप फोर व्हीलर करके आप लद्दाख चले जाइए। तो इस प्रकार से आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आप आ सकते हैं बस से, आ सकते हैं टेम्पो से, आ सकते हैं, बहुत सारे और साधन हैं आपको आने जाने के इसका, लेकिन बस कास्ट थोड़ा सा आपको ज़्यादा पड़ता है। अब प्रश्न आता है कि कश्मीर हम घूमने के लिए आए हैं तो क्या हम खरीदें, क्या बहुत नेसेसरी है जो ज़रूरी चीज़ हम खरीदें। तो अगर आपकी उम्र 18 साल या उससे कम है तो आप यहाँ से बैट खरीद सकते हैं, बहुत बेहतरीन यहाँ बैट मिलते हैं, बैट यहाँ बनते हैं। जो बैट आपको वहाँ पे 8,000-10,000 के मिलेंगे, यहाँ पर लगभग वो आपको 2,000-3,000 में अवेलेबल हो जाते हैं। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट खरीद सकते हैं, ड्राई फ्रूट का एक अलग मार्केट है, बहुत सस्ते दम कीमतों पे आपको यहाँ ड्राई फ्रूट मिल सकता है, ये कश्मीर का आपका फेमस है। अगर आपको कश्मीर में और ज़्यादा फेमस चीज़ों को खरीदना है और थोड़ी कास्टली चीज़ों को खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं कश्मीरी पश्मीना शाल, जो कि कश्मीर की बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन हाँ, पश्मीना शाल ये कभी मत सोचिएगा किसी दुकान में 1,000-2,000 में 3,000 मिल जाएगी। कश्मीरी पश्मीना शाल कम से कम 10,000 के प्लस से ही उसका रेटिंग शुरू होता है, मिलना शुरू होती है और आगे मिलनी रहती है 10,000 के बाद ही। उससे कम का अगर कोई शाल अगर आपको दिखा रहा है, दे रहा है, तो जान लीजिए वो पश्मीना नहीं हो सकती है। चलिए अगली बात आती है कि कश्मीर में और क्या खरीदें। तो कश्मीर में आप केसर ले सकते हैं, कश्मीर का केसर बहुत बहुत फेमस है। कश्मीर में और क्या खरीदें, तो कश्मीर में आप कालीन खरीद सकते हैं, कश्मीर के कालीन बहुत फेमस हैं, कश्मीर के कालीन बहुत मशहूर हैं। अगर बात करते हैं कि ये जो डल झील में अभी हम लोग घूम रहे हैं, इस घूमने का किराया कितना है, घूमने का खर्चा क्या है, तो लगभग आप जब बोट पे आते हैं तो 6,000 रुपये से शुरू करते हैं लोग, और जनरली 2,000-3,000 तक आपको घुमाने के लिए आ जाते हैं। अलग अलग व्यू पॉइंट हैं, आप कितने व्यू पॉइंट के देख लेंगे, एक देखेंगे, दो देखेंगे, तीन देखेंगे, चार देखेंगे, कितने व्यू पॉइंट के देखेंगे। व्यू पॉइंट का इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रोल नहीं है, बस इसमें रोल एक चीज़ का है, आपका इस शिकारा पर बैठ करके घूमना, अलग अलग चीज़ों को खरीदना, बस इससे ज़्यादा इसका कोई और भी रोल नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप देखिए पीछे की तरफ देखिए, नावों की भीड़ लगी हुई है, बहुत बड़ी संख्या में नावें लगी हुई हैं, तो एक आप देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए स्थान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।